जी, तो जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारी यूथ है, जो इनकी फैन है, इनसे बहुत प्यार करती है, उनकी भी ख्वाहिश है कि उनसे कुछ सवाल पूछें, तो चलते हैं ऑडियंस क्वेश्चंस की तरफ। लेट्स डू दिस। जी ब्रदर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अमीन भाई, कैसे हैं? मैं वालेकुम सलाम, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मेरी भी तबीयत सेट है। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। पूरा आपने तो मोटर लगाई हुई है पीछे, क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं? मैंने पूछा क्या करते हैं। स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट। वेरी गुड, स्टूडेंट ऑफ ICS। आई एम अ स्टूडेंट आल्सो ऑफ लाइफ। क्या सवाल पूछेंगे मैम से? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम, कैसी हैं आप मैम? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम बिग फैन ऑफ यू, और मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इतने लोगों का क्रश है, तो आपका क्रश कौन है? ऐसे सवाल पूछते रहोगे ना, तुम्हें को क्रश कर देगा। बट प्लीज, मेरा क्रश कौन है? मेरे ख्याल से ये आपका ये जो क्रश वाली चीजें होती है ना, ये बहुत शुरू की बातें होती है। अब जो है वो लाइफ बता दे, जिसका जो क्रश था उससे शादी हो गई, बस खत्म। उससे पहले कितने क्रश हो गए थे। क्या बात है। और जिन बिचारों की नहीं हो पाती, अब इसका कोई क्रश अगर है और इसकी उम्मीद मुझे नहीं लग रही कि होगी, तो अब इसको क्या एडवाइस देगी? बस फिर ये है कि आप क्रश पियो, वो आती थी ना, क्रश क्रश पियो, ड्रिंक पियो। आपका वो क्रश है? स्टिल आई एम सिंगल। इसीलिए आपको क्रश का आप इतना सवाल कर रहे हो। बट आर यू रेडी टू मिंगल? या सो मिंगल विद योर स्टडीज एंड सिट डाउन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असद है। क्या पूछना चाहते हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत से स्क्रिप्ट आपने रिजेक्ट की होंगी, तो क्या वजूहत होती है जिसकी बेस पे आप स्क्रिप्ट को रिजेक्ट करती हैं? अभी तो हम तुम्हारा सवाल रिजेक्ट करते हैं। मजाक कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, प्लीज। वो बस दिल पे नहीं लगता है, या फिर ये होता है कि उसमें मुझे लगता है कि कोई इतना सब्सटेंस नहीं है, इतनी डेप्थ नहीं है, तो मज़ा नहीं आता है। तो कुछ काफ़ी ऐसे स्क्रिप्ट से तो कर भी लिए, लेकिन फिर वो देखने के बाद जो है वो बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने क्यों किया ये। तो फिर उसके बाद मैंने ज़रा अब सोच समझ के, अगर कोई अच्छी चीज़ लगे या कोई अच्छी स्टोरी ऐसी हो जो जिसकी वजह से हम अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना, जैसे लोगों को कोई मैसेज पहुंचा सकें उसके थ्रू, ऐसा कोई स्क्रिप्ट हो। आपको ख्वाहिश हो कि काश ये स्क्रिप्ट जो है, ये रोल मैंने किया होता। हाँ हाँ, मुझे बहुत ख्वाहिश है, मैं कोई विलन का रोल करना चाहती हूँ, जैसे गॉड मदर का, या प्रॉब्ली फूलन देवी। क्यों नहीं ना, बाय डॉट। और उसमें मैं आपके साथ एक्टिंग जरूर करूंगा। सही है, डन हो गया। मैं तुम्हें किडनैप कर लूंगी। आपने मुझे किडनैप करना है, ये डील हो गई। डन है। लेकिन आपने ना मेरे घर वालों से पैसे ही मांगने, बस रखना है। मैंने रोटी भी ना देना बेशक। आजकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आतिफ। आतिफ, क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ, एमफिल कर रहा हूँ। क्या? एमफिल कर रहा हूँ। एक सेकंड, आजकल बच्चे झूठ की तरह बोलते हैं, कहता मैं एमफिल कर रहा हूँ। किस चीज में? मैस कम्युनिकेशन। मैस कम्युनिकेशन क्या होती है? ये जर्नलिज्म होता है जिसमें आप करते हैं, जैसे आपका जो मैस कम्युनिकेशन का है सब्जेक्ट, जैसे शो कर रहे हैं, इस तरह मैं भी एक शो कर रहा हूँ। नहीं, मैं मैस कम्युनिकेशन पूछ रहा हूँ क्या होती है। मुझे मेरे साथ फिल्म ना करो। मीडिया स्टडी, मीडिया स्टडी जिसमें। मीडिया क्या होता है? मीडिया होता है आजकल तो, मीडिया कई किस्म का, जैसे आपके दौर में था रेडियो, हमारे दौर में सोशल मीडिया। मेरे दौर में रेडियो था, आपके दौर में ना कबूतरों पे खत आते थे। आजकल तेज हो गया ना, तेज हो गया। अच्छा, कम्युनिकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, जो इतनी आप खूबसूरत करते हैं और आपके इतने ज्यादा फैन है आपकी कम्युनिकेशन के वजह। यार लव यू यार, तुम पहले बंदे मिले हो हासिल जवाब। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सवाल लाए हो मानू जी, सवाल लेके आया हूँ। मानू जी, आप इतनी खूबसूरत हैं, तो मुझे कोई 3 टिप्स दे दें कि मैं भी खूबसूरत और हमेशा जवान रहूं। मुझे तो आप बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, पता नहीं आपको ऐसे। चल चल, आप लेकिन कोई टिप्स दे देना ताकि हमेशा के लिए ऐसा ही रहूं। आप ऐसे ही रहोगे। आपके कुछ सितारे ऐसे लग रहे हैं मुझे। चलें फिर, ठीक, बोर हो गए। नहीं, फिर भी कोई एक आधी टिप्स दे देना ताकि कंटिन्यू ऐसे। तुम्हें ना वो टिप वाली टिप दे दे। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा सोचा करो, ऐसे ही रहोगे। तुम ना अपने आप को बोलो मैं खूबसूरत हूँ। तुम्हें कोई बोले ना तुम नहीं हो, तुमको मैं, तुम झूठ, बस तुम मानो ही मत। तुम जो लोग, दुनिया गलत है और मैं सच्चा हूँ, तुम प्यारे हो, बोलो मैं प्यारा हूँ। मैं प्यारा हूँ, बहुत प्यारा हूँ, बहुत प्यारा हूँ। मोस्ट हैंडसम आई एम, मेरे साथ प्यारे दुनिया में को है नहीं। बिल्कुल ऐसे ही बोलो,
बोल रहा हूँ बोला मेरे ज्यादा कोई प्यारा इस दुनिया में नहीं मेरे जैसा कोई प्यारा इस दुनिया में मेरे जैसा हैंडसम लड़का है ही नहीं लाहौर में है ही नहीं कोई लाहौर पूरे लाहौर में मेरे जैसा अट्रैक्टिव कोई है ही नहीं है ही नहीं खत्म मुझे छुप जाना चाहिए मैं इतनी डिमांड में हूँ ओए अमरीशपुरी की तरह हा हा ना करो बैठ जाओ ये थेरेपी हो रही है एक आखिरी सवाल अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम क्या नाम है आप मेरा नाम अजीम भट्ट है जी अजीम भट्ट है भट्ट कढ़ाई आपकी है नहीं बदकिस्मती से आपका क्या है हमारा तो सिर्फ बाटी है ठीक है बिल्कुल ठीक है वेरी गुड पूछो क्या सवाल पूछो अस्सलाम वालेकुम मैम वालेकुम अस्सलाम अच्छा मैम मेरा सवाल ये था कि आपने एक जगह कहा था कि आपने अपने घर का इंटीरियर जो है वो खुद डिज़ाइन किया था तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके उसमें पैसे ज़्यादा लगे थे या कम लगे थे किससे कम या ज़्यादा ये आम रूटीन में इंटीरियर अगर किसी और डिज़ाइनर से करवाया जाए बजाय खुद करने के तो उसकी निस्बत पैसे आपके खुद ज़्यादा लगे हैं उससे इसलिए कम लगते हैं क्योंकि मैं फ़ीस तो अपने से लूँगी नहीं ना तो उनका ये होता है कि अगर आप का वो घर डेकोरेट करते हैं तो सामान का तो एक आते ही आता है बजट आपके पास होता है लेकिन फिर वो अपनी फ़ी भी उस पर लगाते हैं तो खुद करने से थोड़ा सा कम पैसों में हो जाता है और आम लोगों की आम रूटीन होती है इनकी आम रूटीन नहीं है तुम लकड़ी का काम करते हो तुमने कोई इसको इंटीरियर सजेस्ट करना है कि शायद करियर बन ये कहाँ लिखा था कब बोला था मैंने ये इंटरव्यू में कहा था आपने अच्छा किसके साथ था इंटरव्यू ये नहीं याद है लेकिन कहाँ होगा कहाँ इसने इंटरव्यूअर पे फोकस ही नहीं किया होना ठीक है बैठ जाओ सीट बेल्ट पहन लो बोर्डिंग हो गई है कभी भी फ्लाइट ले सकते हो वेलकम बैक आज का शो किसी और लेवल पर चल रहा है क्योंकि हमारे साथ हमारे मुल्क की नहीं एक ग्लोबल स्टार हैं लेजेंड हैं उनसे बात कर रहे हैं और बल्कि मैंने जब ग्लोबल स्टार बोला है तो मैं उसी से सवाल निकालना चाहूंगा हॉलीवुड में भी काम किया आपने इंडिपेंडेंट फिल्म थी सो हाउ वाज दैट दैट वाज द एक्सपीरियंस वेरी इंटरेस्टिंग वेरी डिफरेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग या सो आई मीन तो फर्क भी है काम में क्या फर्क फील हुआ वैसे तो फर्क काफी है बजट में और बस आई थिंक उस वजह से ही होता है एक तो प्रोफेशनलिज्म का तो इंतहाई थी ज़्यादा उधर बल्कि कभी कभी तो मुझे हंसी आती थी कि यार ये रोने का सीन हुआ उसके बाद ये आपको अकेले बिठा के ग्रीन टी पिला रहे हैं आधा घंटा यू शुड ब्रिंग बैक योर एनर्जी तो मैं सोच रही हूँ क्या बोल रहे हैं वहाँ तो होता है कट और फिर चलो दूसरा सीन करो शादी का चलो अभी फौतकी का सीन है अब आप शादी कर लो चलो तो आई मीन इट वाज वो कुछ और ही दुनिया है तो फिर बात नहीं है कि हम लोग कितनी लिमिटेड रिसोर्स के साथ कितने अच्छा काम कर जाते। साथ विदाउट एनी प्रॉपर प्रोसेसेस के बगैर फिर भी कितनी हिटेड चीजें निकाल देते हैं हाँ निकाल लेते हैं अब वो सारा मतलब अब नजरिया हिट क्या है आजकल हाँ ये भी बात आपकी ठीक है हाँ मगर ये है कि या काम कर लेते हैं तो मुझे बताएं एक खूबसूरती पे लोग बहुत आपसे सवाल पूछते हैं बात करते हैं खूबसूरती हालांकि सीरत की आपने बात की इट इज एज इम्पोर्टेंट इफ नॉट मोर बट डिसएडवांटेजेस क्या है खूबसूरत होने के ये मैं आपसे पूछ रहा हूं कोई डिसएडवांटेज नहीं कोई डिसएडवांटेज नहीं है कि टू मच अटेंशन एट टाइम्स दैट्स नॉट अ डिसएडवांटेज व्हाई शुड इट बी ओवरवेलमिंग नहीं हो जाती होगी अब वो ही फिर बात हो जाएगी कि मैं तो हर बात में डीप चली गई ना कोई बात नहीं मुझे इससे लगता है हैव यू नोटिस्ड कुछ लोग होते हैं अगर आप उनके इंडिविजुअल फीचर्स देखें तो दे आर ओके बट देयर इज समथिंग अबाउट देम दैट दे आर सो अट्रैक्टिव द वाइब आई थिंक द ऑरा और ये आपका क्या चीज़ है ये बताएं एक पर्सनालिटी लेट्स से आपकी जो एक पर्सनालिटी होती है ना वो स्ट्रांग अगर होती है इन अ गुड वे तो आप अच्छे लगते हो सबको ज़रूरी नहीं है कि आपके फीचर्स जो एक ब्यूटी का वो होता है ना कि ये लिप्स ऐसे होने चाहिए हो सकता है वो वैसी ना है लेकिन फिर भी आप उस इंसान को देखते हो तो यू नो यू फील गुड